हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए, बट ऑफिस में ना थोड़ी स्पीच वगैरह होती है, तो फिर उस टाइम मुझे भूख लग जाती है, मतलब मेरा पेट ना गुड़ 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 कर करने लगता है। पिछली बार ऐसे ही हुआ था, मेरा पेट कर कर रहा था, तो इस बार मैं खा रही हूँ ईपी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह मैं कुछ और बना नहीं पाई थी, इसलिए मैं यही खा के जा रही हूँ। और अब मिलती हूँ ऑफिस में, सबको इंडिपेंडेंस डे विश करेंगे। बस आज का इतना ही ब्लॉग रहेगा मेरा, ओके। और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं हम लोग आगे, क्या पता हमारा तो सडन प्लान बनता है ऑफिस से, तो वहीं जाके देखेंगे क्या होता है। और मिलते हैं ऑफिस में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हेलो। तो यहाँ पे ये सजा है जो कि हर साल मैं दिखाती हूँ। ठीक है, हम कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर। सबका नया सूट है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। हमको नहीं कहोगे? थैंक यू। देखो वाइट परिया। हाँ, ये हमेशा ऐसी लगाती हैं अच्छी सी। हमारे लिए क्यों नहीं लेके आई? हाँ, ये वाले कलर नहीं? नहीं, कोई भी कलर ले आओ। पत्ता उठा रहा हूँ। हाँ, मैं तो ब्लैक लगाऊंगी। मैं तो ऑरेंज लगाऊंगी। तो गाइस, मैंने उनको बिंदी लेने के लिए भेज दिया, मैंने भूल गई, वरना था मेरे पास पत्ता। तो यहाँ पे सर उत्कृष्टकारियों के लिए इन लोगों को इनाम दे रहे हैं, और लोगों को भी दिया, मगर हमने सूट सिर्फ इनका किया। और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये है मेरी गैंग, बाकी तो सब चली गई, इनको मैं लेके आई हूँ। इनको मैं लेके जा रही हूँ किडनैप करके। मैं लेके आई हूँ पैदल पैदल, क्योंकि आज जो लोग पैदल नहीं चलना चाहते हैं वो लोग नहीं आ पाए, क्योंकि और ये हमारा हर साल का वो है ना कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन पक्का कहीं ना कहीं घूमते हैं, तो हम इस रिवाज को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हम आज पैदल ही जा रहे हैं। और पैदल में हम सिर्फ तीन है, और गाड़ी होती तो हम 6-7 लोग दिखते। और फिर हमने सोचा कि थोड़ी देर मेरे रूम पे चलते हैं, उसके बाद घूमने चलेंगे। मेरे रूम पे जाते ही ये लोग आलसी हो गए थे। तो गाइस, मैं अपनी जुबान को गाइस इससे केक काट दिया है। केक से आप समझ जाओ केक क्या होता है, जो रास्ते में मिलता है हमको पड़ा हुआ। और सुबह जाते हुए मैंने तुम्हें बचाया ना कि यहाँ पे कुछ है, हमें पता ही नहीं चला, वरना हम बचाते ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, हम नहीं बचाते। तो दर्शना ने अपनी जबान को लगाम लगाया। ऐसा दर्शना बोल रही थी। तो दर्शना अपनी जबान पे कायम है, और हम सब जा रहे हैं। ज्योत्सना और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि हम जाए, क्योंकि हम बहुत ही थक गए थे, पता नहीं क्यों हमने ऐसा क्या काम किया। मेरी बातों पे कैसे मान जाते हैं, कैसे कन्विंस कर लेती हूं उनको। दर्शना ने बोला नहीं नहीं उठो उठो उठो, चलो अपने घर से। इसने हमें निकाल दिया। हम तो कह रहे थे कि यार तुम जाओ, हम लेटते हैं। नहीं नहीं, मैंने निकाला नहीं है, मैं बोल रही थी कि अब वापस आके खाना खिलाऊंगी, ये भी बोला है। दर्शना हमें खाना खिलाने वाली थी, इसलिए हम चल रहे हैं अभी। हम बहुत लालची है। तो इसके बाद हम लोग चले गए मंदिर। हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठे और हमने थोड़ा सा वीडियो शूट किया और फोटो की। वैसे तो हम लोगों को नहीं करना था वीडियो फोटो शूट, पता नहीं जैसे ही हम किसी लोकेशन में जाते हैं तो फोन कैसे निकल जाता है। मुझे नहीं डरा गाइस, यहाँ पे देखो दो पंजाबी तड़के के पैकेट गिरे हुए हैं, और हम इस तरफ को फेस करके बैठे हैं, और दर्शन ने पीछे देखा, ओ यहाँ पे ये नमकीन किसने फेंकी है? मैं तो बताया ना, इसको भूख लग रही है और इसको मन कर रहा है, लग रहा है खाने का। लग रही है। वाव, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, देखो ये और ये स्काई। वाव। मैं यहाँ पे कैमरा ऑन कर, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो गाइस, ये मुझसे कह रही थी ना कि नमकीन पे इसकी नजर आई, यहाँ एक्सपायरी देखने गई थी, बोल रही कि एक्सपायरी में थी।
पता चल गया ना कौन है, किसकी नजर है नमकीन पे और किसको भूख लगी है। नजर थी इसने मुझे, मेरी कोई नजर नहीं थी। एक्सपायरी तो नहीं देखी मैंने, किसी ने बताया। हम तो आगे देखे थे। हम लोग ना पहले यहाँ पे शांति से बैठे हुए थे, सिर्फ हम तीनों ही थे और हमने कोई कैमरा नहीं निकाला था। जैसे यहाँ पर लोग आए, उन लोगों ने फोटो खींचना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने भी कर दिया। मतलब ये सब कुछ देखा देखी होता है। वीडियोग्राफर कैसे बैठी हुई है, तो गाइस हम आ गए स्विमिंग पूल। यहाँ की पानी नहीं है इधर, तो मुझे लगा पानी फुल होगा। इसमें काफ़ी बड़ा है और ये लोग थक चुके हैं। ये लोग तो नहीं, भावना तो नहीं थकी है ना, थकी हुई मतलब थोड़ा थोड़ा तो थकी हुई, लेकिन ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई है और ये पकड़ के ले जाए। तो स्विमिंग पूल में पानी तो नहीं है, बस इस नाले में पानी है, थोड़ा सा साइड साइड में पानी है, नाला नहीं है मतलब, तो क्या कहेंगे पता नहीं। पानी पी लो पहले। तो ये ज्योत्सना इतना थक गई थी कि इसने जैसे ही पानी देखा तो मुंह हाथ धोना स्टार्ट कर दिया, और मैं इसका पीछे से चुपके से वीडियो बना रही थी इसे डराने के लिए, मगर ये डरी तो नहीं और खुश होकर ही बता रही कि बहुत मज़ा आया इसे। और इसको देख के फिर हमको भी मन किया कि हम भी भीग लेते हैं थोड़ा सा, तो हम सब भीग गए। बहुत मजा आ रहा है, तुम भी करोगी? गीले तो हम हो ही गए, हम नहीं तुम दोनों जाओ, तुम भी जाओ। कैसा लगा? मजा आया। बोलो ना। तो गाइस हमने इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर दिया है। कर लिया है ऐसे कर रही है जैसे एहसान किया होगा। तो तुम लोगों ने, इन लोगों ने भी मेरे जैसे वो किया, एंजॉय किया, वरना ये घर में लेटे रहने वाले थे। और तो भीग चुके हैं, हाँ हम लोग भीगे हैं, इस पानी में भीगे हैं हम, दिखाने का मन नहीं कर रहा है। पर बहुत मज़ा आया हम लोग को। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड मैम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय बाय। इन लोगों को ना इतनी भूख लग चुकी है और ये बोल रहे थे कि अब घर जाते रास्ते में रुकने में लगे हैं और फोटो खींचने में लगे हैं सब।